तो बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने किस तरह बैकग्राउंड अपना चेंज करना है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। तो बने इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आदम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदम परदेसी। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इस बारे में बना रहा हूँ कि आप अपना बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हो। ये बिल्कुल आसानी एक एडिटिंग है, और इस ये करने के बाद आपको व्यू भी ज़्यादा आएगा, आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नज़र आएंगे। तो ये इस तरह है कि आपने सिंपल तरीके से एक काम करना है, और सिंपल तरीके से आपने बिल्कुल इस तरह का वो करना है कि आप बिल्कुल स्टूडियो में बैठे नज़र आएंगे। तो अभी चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, आपको सारा एडिटिंग दिखाता हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देख। सबसे पहले आपने इस तरह की एक बैकग्राउंड कपड़ा लगानी है, जो कि आपको मार्केट के हर दुकान से मिलेगी। अगर आपके पास पैसे कम हो या कोई इस तरह इशू हो, तो आप कबाड़ में भी ले सकते हैं, या आजकल लड़ने के बाज़ार में भी ये बहुत सारे मिलते हैं। तो आपने बिल्कुल इसको दीवार के साथ लगाना है और इसके आगे बैठना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैन मास्टर में जाके इसको किस तरह एडिटिंग करते तो हैं। गाइस, सबसे पहले आपने कैन मास्टर को ओपन करना है। यकीनन हर यूट्यूबर के मोबाइल में कैन मास्टर होगा। इसको ओपन अगर आपके पास नहीं है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कैन मास्टर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद 16:9 पे जाना है आपने। यहाँ पर आपने मीडिया पर जाना है। यहाँ मेरे पास है बैकग्राउंड। अगर आपने जो बैकग्राउंड के पिक्चर स्टूडियो वगैरह लगाने हैं, तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉपीराइट आपने डाउनलोड करना होगा। मैं यहाँ पे इस पिक्चर को ले लेता हूँ। अभी मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ किस तरह आते हैं। अभी इसके ऊपर आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने मीडिया में जाना है। आपकी जो वीडियो जो भी फोल्डर में आपने वहाँ जाना है। तो मेरा यहाँ पे DCM में है, और कैमरा मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जो फालतू पार्ट है, आपने उसको ख़त्म करना है। तो मैंने यहाँ पे फालतू पार्ट को ख़त्म किया। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये किस तरह आती है। अभी अभी आपने इसको यहाँ पे क्रोमा की करना है। क्रोमा की करने के बाद आपने इसको एडजस्टमेंट करना है कि भाई इसको थोड़ा और, थोड़ा सा और, यह अभी क्लियर हो। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने फिर लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद बैकग्राउंड, यहाँ से मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ। यहाँ आने के बाद आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड टू बैक पे क्लिक करना है, तो ये बैक हो जाएगा। और इसको आपने यहाँ तक फैला के छोड़ देना। अभी यहाँ से आप इसको क्रॉप करें, क्रॉप करें, कट करें, कट करें, कट करें, कट करें, और भी करें, और भी करें। अभी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। मैं थोड़ा यहाँ पे आपने फिर लेयर में जाना। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद आप ये वाली पिक्चर ले लें। इसको पहले से मैं इसकी लेंथ कम करता हूँ। और आपने थ्री डॉट में जाना है, सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक करने के बाद आप इसको पूरी तरह इस तरह लगाना है। और अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की वीडियो आई हमारी। ये तो ये आप देख सकते हैं। आप अपना बिल्कुल कलर जिस तरह भी हो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, और रेजोल्यूशन आपने 10:14 रखना है। इससे ज़्यादा हो तो आपकी MB ज़्यादा जाएगी। तो तो ये थी आज हमारा आज का ये छोटे सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दे। अल्लाह।